मुरादाबाद के छजलेट थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छजलेट पुलिस ने लंबे समय से सक्रिय तार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनके पास से लगभग 12 कुंतल तार, 50,500 रुपए व एक वाहन भी बरामद किया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल पकड़े गए आरोपी बिजली ठेकेदारी का काम करते हैं। ये लोग कंपनी का काम पूरा होने के बाद बचे हुए माल को कंपनी को वापस करने के बजाय बेच देते थे, जिनके बदले उन्हें मोटी रकम मिलती थी। देर शाम पुलिस गश्त पर थी, तभी मुखबिर की सूचना पर छजलेट थाना अध्यक्ष सुनील कुमार व उप निरीक्षक रामवीर राठी में फोर्स के उसी जगह पहुंच गए जहां पर बिजली के सामान की खरीद फरोख्त चल रही थी, जिसके बाद 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो ये लोग अपने आप को बिजली विभाग के ठेकेदार बताने लगे। पुलिस को शक होने पर वहां से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने सभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से लगभग 12 कुंतल बिजली का तार, एक वाहन व 50,500 रुपए बरामद किए हैं। उक्त सभी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पहले ही वहाँ कहाँ है, ये कहाँ बेचने जा रहे थे? मेरे सब यूज़ के लिए लेके जा रहे थे, अपने लिए लेके जा रहे थे। अच्छा, कहाँ बेचने जा रहे थे? दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, ये कंपनी का माल था, कंपनी को वापस जाना था, तो आप इसे बेच क्यों रहे थे? सब ठेकेदार साहब से लिया था। ठेकेदार साहब से कितने रुपये का लिया था? 50,000 रुपये। कौन ठेकेदार है? नीरज जी। कल दिनांक 15/7/2020 को थाना छजलेट पुलिस द्वारा दौरान चेकिंग बिजली के केबल तार आदि वजन लगभग 11 कुंटल के साथ छोटा हाथी पर चार अभियुक्त थे, जिनको गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों में बिजली विभाग का ठेकेदार है, जिसके द्वारा अवैध तरीके से उक्त सामान को 50,500 रुपये में बेच दिया था। टीम द्वारा 50,500 रुपये भी मौके से बरामद कर लिए गए। 4 व्यक्तियों को मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है।